जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। ओम शांति। मैं हृदयांका बजाज आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही शो जिंदगी बने आसान में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारी स्पेशल सीरीज डेडिकेटेड है एग्जाम स्ट्रेस या एग्जाम फोबिया को लेकर। इसी से रिलेटेड एक पहलू है जो यूजुअली ऑब्जर्व किया गया है कि जब बच्चे एग्जाम की शीट सामने उनके आता है तो वो बहुत बारी रिपीटेटिव या सिली मिस्टेक्स करते हैं। इसी पर आगे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेमोरी एंड माइंड एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर आदिति सिंगल। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही ये बात आपसे शेयर करी कि बहुत बारी ऐसा होता है कि बच्चे यूजुअली जब एग्ज़ाम रूम के अंदर एंटर करते हैं और उनके सामने एग्ज़ाम पेपर आता है, द मोमेंट दे स्टार्ट राइटिंग देयर आंसर्स, तो ना चाहते हुए भी आर्टिकुलेशन नहीं हो पाती प्रॉपरली, बार बार कटिंग, या फिर वो आंसर को रिफ्रेस करके लिखते हैं, या ना चाहते हुए भी अगर डिजिट 4 है तो उसको 5 लिख देते हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स बहुत रिपीटेटिव होती हैं। अगर यही अगर सब उनके घर पे उनसे सॉल्व कराया जाए तो हो सकता है वहाँ वो मिस्टेक ना हो, बट वो जब एक एग्जामिनेशन का कॉन्टेक्स्ट आता है वहाँ वो चीज़ मिस्टेक हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे कितने भी टेक्निक्स यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, शेड्यूलिंग करें, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं जाके बहुत से मार्क्स बच्चों के इन सिली मिस्टेक्स की वजह से चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने भी कहा 4 की जगह 5 लिख देते हैं, या हम बात करें 2 × 3 5 कर देते हैं और 2 + 3 को 6 कर देते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी करा बच्चों के साथ और खुद के साथ भी, क्योंकि ऐसा नहीं बच्चे ही मिस्टेक करते हैं या एग्जाम में ही करते हैं, इनफैक्ट घर में भी जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो इस टाइप की बहुत मिस्टेक्स करते हैं, प्लस का माइनस कर दिया, क्वेश्चन उतारने में गलती कर दी, कई बार हमसे भी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब भी ऐसी कोई मिस्टेक होती है, चाहे क्वेश्चन कॉपी करने में या ऊपर से नीचे उतारने में है, या कुछ और इस टाइप की हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं जो बहुत ही सिंपल होती है, मतलब आंसर बहुत सिंपल होता है लेकिन हम बेध्यानी में, तो उस टाइम हमारा, हम हाथ से तो कर रहे हैं काम, हमारा दिमाग भी उसी में लगा हुआ है, उसी काम को करने में, लेकिन कभी कभी जब हमारा ध्यान, जिससे कहना चाहिए, थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो जाता है, मतलब मन में कुछ और थॉट या कोई और पिक्चर उसके साथ साथ आ जाती है, कोई भी काइंड का डिस्ट्रैक्शन आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ थॉट और अ पिक्चर, तो जैसी वो डिस्ट्रैक्शन आता है बच्चा कर तो रहा है वो, लेकिन वो आधा मन उधर आधा मन इधर ऐसे लगा हुआ है, तो उसके वजह से पूरा अटेंशन नहीं देता और उस अटेंशन के हटते ही गलती हो जाती है। और मैंने इस चीज़ में ना एक चीज़ अपने ही एग्जांपल से नोटिस करी है कि यूजुअली जब मैं 12th क्लास में या 11th में थी और मैथ्स के सम्स सामने आते थे तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या होता था कि मेरा माइंड तो फास्ट भाग रहा है, आगे उसने कैलकुलेशन कर ली, हाथ की स्पीड पीछे है, तो जो स्टेप राइट उसमें होना चाहिए वो मिस आउट, तो वहां पर एरर होने का बहुत चांस। एक्चुअली जो मन में चल रहा है कई बार हम वही लिखना शुरू कर देते हैं विदाउट मैचिंग की ऊपर वाला स्टेप क्या था जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब हमारा अगेन वही चीज है ना, जो हम लिख रहे हैं माइंड या तो कहीं और जा रहा है या फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है, वट एवर कोऑर्डिनेशन हमारा लिखने और मन में चलने वाले थॉट्स के साथ जब थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाता है तो इस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। ऐसा नहीं बच्चे को वो आता नहीं था और इसके वजह से कई बार फर्स्ट सेकंड स्टेप पे ही गलती होते ही वो 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, या कई बार जैसे आपने कहा जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन को ही पूरी तरह नहीं पढ़ते हैं, आता था हमें वो लेकिन हमने कुछ और समझ के आंसर हमने कुछ और लिख दिया, तो इस टाइप की भी, और इसका कारण यही होता है अगेन जल्दीबाजी में आपने पूरा अटेंशन नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए था।
तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि अटेंशन इम्प्रूव करना पड़ेगा हमको उस टाइम पर. मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि अटेंशन होना चाहिए पेपर पे, लेकिन इसी के साथ एक और यूजुअली वर्ड यूज़ किया जाता है, टीचर्स अपने क्लास में बोलते हैं यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, आपकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ चली जाती है. तो इज कॉन्सेंट्रेशन सेम एज अटेंशन और देर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टू? अटेंशन है सब चीज़ों से ध्यान हटा के, क्योंकि हर टाइम देखिए आपके आसपास बहुत साउंड्स भी चल रही हैं, बहुत कुछ पिक्चर भी चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, देयर इज सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, लाइव मूवी गोइंग ऑन अराउंड यू ऑल द टाइम. या लेकिन जैसे हम इस टाइम आपसे बात आपस में बात कर रहे हैं, तो मेरा पूरा अटेंशन इस बात पर है कि आप क्या मुझसे पूछ रहे हैं, और आपका पूरा अटेंशन इस बात पर है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, राइट? बिकॉज अ कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन. अब यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर अटेंशन मेरा किसी और चीज़ पर चला जाता है, अच्छा यहाँ साइड में क्या चल रहा है, तो मैं मिस आउट कर जाऊँगी जो आपने मुझसे कहा. तो अटेंशन इज कि बाकी सब स्टिमुलस को साइड में करते हुए, इग्नोर करते हुए किसी एक चीज़ पर फोकस करना. एंड वॉट इज कॉन्सेंट्रेशन? जब हम लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अटेंशन दे के काम करते हैं, तो डैट इज कॉन्सेंट्रेशन. तो अटेंशन हमारा जो होता है वो जरा सा हटा तो वो जो हम फोकस्ड काम कर रहे थे, जैसे कहेंगे फोकस्ड अटेंशन को कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे. तो फिर इसका मतलब तो यहाँ ये भी हुआ कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, जब बच्चे एक्चुअली में पढ़ रहे हैं या कोई चीज मेमोराइज कर रहे हैं, तो उस समय हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत पावरफुल होना चाहिए, राइट? तो कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं जिनके ऊपर बच्चों को खास ध्यान देना चाहिए जस्ट बिफोर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, और ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो मेमोराइज नहीं ठीक से कर पाएंगे उस चीज़ को, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे कुछ पूछने जा रही हूँ, बिना देखे आप क्या ये बता सकती हैं कि आपने जो वॉच पहनी हुई है उसमें जो 12 है वो क्या रोमन नंबर है या डॉट है या लाइन है या सिंपल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है, नंबर के फॉर्म में लिखा है. आर यू श्योर? या थोड़ा देखकर बताएंगे. इट्स अ रोमन नंबर. इट्स अ रोमन नंबर, राइट? आप देखिए जो घड़िया महीनों से शायद पहन रहे हैं या उससे ज्यादा टाइम भी हो सकता है, और वो बात छोड़िए कितने टाइम से पहन रहे हैं, एक दिन में कितनी बार हम अपनी वॉच को देखते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये नहीं पता कि हमारी घड़ी में ये रोमन में लिखा है या डॉट है या नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, है ना? इसका मतलब टाइम जज करने का तो पता है कि अटेंटिव हूँ कि ये टाइम हो रहा है, हाँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन शायद कहीं वहाँ लूज है कि रोमन नंबर नहीं है, 12. बेसिकली जब आप टाइम देख रहे हैं तो अटेंशन तो आपको टाइम पर ही देनी थी, आपको इस चीज़ पे देने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ जो आपकी है आप इतने समय से पहन रहे हैं लेकिन आज तक आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं करा, बात उस चीज़ की है. डेफिनेटली टाइम देखते टाइम हमें ज़रूरत भी नहीं है कि 12 हमारा, लेकिन ये तो एक नॉर्मल चीज़ है. हम किसी यहाँ स्टूडियो में लगी घड़ी को अगर हम बात करें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस चीज़ को हम रोज़ देख रहे हैं उसमें हमने आज तक इस छोटे से डायल में ऑब्जर्व नहीं करा, तो इट्स लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन. लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए अब वो जब आपने ऑब्जर्व ही नहीं करा तो आपकी मेमोरी में कहाँ से होती है वो चीज़. तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करी जा सकती हैं, और ये एक आदत है बेसिकली. मैं आपको बताऊँ ऑब्जर्व करना, ये तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ध्यान से इन फूलों को ऑब्जर्व करिए, तो जब मैं कुछ काम की तरह से आपको दे रही हूँ तो डेफिनेटली आपको पता है मैं आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो आप बहुत अच्छे तरह से ऑब्जर्व करेंगे, मे बी काउंट करेंगे कितने पिंक फ्लावर्स है, कितने ऑरेंज है, कितने वाइट हैं, कितने कहाँ लगे हुए हैं, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाए, वो एक डिफरेंट चीज़ है. लेकिन एक होता है कि मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. मुझे इसी से याद आया, बचपन में ही हमें गेम खेलते थे, मेमोरी गेम. एक डार्क रूम कर दिया जाता था और टेबल पर ढेर सारी चीज़ें रख दी जाती थी और बोला जाता था कि अभी एक राउंड में टेक अ राउंड ऑफ द टेबल एंड ऑब्जर्व व्हाट यू आर वॉचिंग एंड देन लेट अस लिस्ट डाउन कि आपने क्या देखा. वो एक मिनट के लिए लाइट खोली जाती थी, एक मिनट के लिए लाइट खोली जाती थी, और फिर उसके बाद जिसने भी सबसे ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करी, जितनी बारीकी से करी, दैट चाइल्ड यूज टू बी द विनर ऑफ द गेम. तो ऐसे ही कुछ एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो फर्दर डायरेक्टली हमारे कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं कि
मान लीजिए आपका ही अपने घर का कमरा है, मान लीजिए ड्राइंग रूम को ले लीजिए, तो वन ऑफ द एक्टिविटी कैन बी कि आप ड्राइंग रूम को दूसरे कमरे में बैठ के रिकॉल करें कि और एक एक चीज़ को रिकॉल करें कि आपको क्या क्या ध्यान है, कितने सोफे हैं या कर्टन है या पेंटिंग है या लैम्प है, स्विच बोर्ड है, क्या क्या चीज़ें उस ड्राइंग रूम में हैं, एंड लिस्ट डाउन ऑल दोज थिंग्स ऑन अ पेपर. और वो लिस्ट डाउन करने के बाद अब आप दोबारा से उस कमरे में जाइए जिस ड्राइंग रूम में आप सालों से जाते हैं, आप दोबारा जाइए और अपनी लिस्ट के साथ उसको मैच करिए. ज़रूर कुछ चीज़ें आप मिस आउट कर गए होंगे. एब्सोल्युटली. अब और ढंग से, नाउ यू हैव अ टास्क इन योर हैंड कि मुझे ये किस लिए देखना है, बिकॉज आई हैव टू डॉट इट डाउन. तो अब आप दोबारा से उस ड्राइंग रूम को देखिए, तो अब आपके देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा. आप वापस निकल के आइए एक मिनट के बाद, आप दूसरी लिस्ट बनाइए. डोंट ऐड ऑन टू द सेम लिस्ट, मेक अ डिफरेंट लिस्ट एंड देन कंपेयर कि क्या आपकी चीज़ें लिस्ट में बढ़ गई हैं. डेफिनेटली बढ़ी जाएं. डेफिनेटली, क्योंकि उस समय एक फोकस्ड अप्रोच के साथ अंदर एंटर कर रहे हैं कि अभी मुझे सबसे मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ फीड करना है. राइट राइट. तो इसी तरह से हम इस तरह की एक्टिविटीज़ हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारी टेबल क्लॉक होती है उसको हम टीवी के ऊपर रख दें और टीवी पे कोई प्रोग्राम चला दें, ऑन कर दें. मे बी आप अपना फेवरेट चला सकते हैं प्रोग्राम, जस्ट टू चेक फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन बी अटेंटिव ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, कितनी देर तक आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. तो टीवी पे चल रहा है लेकिन आपको सिर्फ क्या देखना है, जो सेकंड की सुई चल रही है उस पर फोकस करना है सिर्फ. आपका एक बार भी ध्यान टीवी पर नहीं जाना चाहिए. तो इस तरीके से आप करके देखिए आप कितनी देर कर सकते हैं, क्या आप पूरे एक मिनट या दो मिनट ऐसा कर सकते हैं. स्पेशली जब फेवरेट कार्टून शो या मूवी आ रही है, जो भी आपका फेवरेट है. दीज एक्टिविटीज, लाइक मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मैं सभी के लिए कहूंगी कि हर एक को चेक करते रहना चाहिए और इम्प्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा अटेंशन इन बातों पर जाएगा तभी तो हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे. कई बार कई लोगों को लगता है ये तो बच्चों के लिए जरूरत है, बड़ों को क्या जरूरत है इन सब चीज़ों की. पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कहीं चीज कोई रखी और भूल गए, फिर उसके बाद उसी चीज को ढूंढ रहे हैं. ये आई हैव कॉमन ऑब्जर्वेशन, वेरी कॉमन. एंड देन पीपल गो डेवलप दिस बिलीव कि भाई हम तो दो मिनट पहले रखी चीज में हमें कुछ याद नहीं रहता, पता नहीं क्या होता चला जा रहा है. एक्चुअली वो हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं या अटेंशन स्किल्स जो हैं वो हमारी कम होती जाती है, क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि एज के साथ वैसे कम हो जाती, हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो माना किसी भी चीज़ को जब हमें यूज़ करते हैं तभी वो एक्टिव रहती है. Actually. और उस एक्टिवेशन अगर वो रहेगी तो फिर हम उसको काफ़ी समय तक अपने साथ रख सकेंगे. राइट. इसीलिए सिर्फ बच्चों के लिए ही ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ्स की कैलकुलेशंस करें, बड़े लोगों को भी कुछ कुछ डेली चीज़ों की कैलकुलेशन अपने माइंड में करते रहना चाहिए. या बच्चों के लिए भी मैं कहूँगी कि कुछ ऐसे गेम्स भी खेलने चाहिए, जैसे सुडोकू है और इस टाइप के चेस है, इस टाइप के गेम्स भी खेलने चाहिए जिससे हमारे इट्स लाइक ब्रेन जिम, हम ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट रख सकते हैं इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके. पढ़ाई से बोर हो जाएं तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी बीच बीच में ज़रूर करते रहना चाहिए, तो एंटरटेनिंग भी लगेगा और आपका कंसंट्रेशन भी आपका इससे बढ़ेगा. ऑब्जर्वेशन एंड अटेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन डेफिनेटली इससे अटेंशन स्पैन आपका बढ़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पैराग्राफ ले लिया आपने किसी भी बुक में, उसमें कितनी बार इट या एंड या ऑफ कोई भी एक वर्ड ले लें कि हमें बिना फिंगर लगाए उसको पढ़ना है और उसमें काउंट करना है कि ये पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार आता है. तो इससे भी हमारा बेसिकली जितनी देर आप उसको पढ़ेंगे उतनी देर आपको अटेंशन देकर ऑब्जर्व करना है. और फिर चेक करिए, दूसरी बार करके देखिए क्या उतना ही नंबर आता है या कुछ फ़र्क आता है ना. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हम कर सकते हैं. जब हम ये रेगुलर बेसिस पे कुछ कुछ ऐसा करेंगे तो हमें हमारे ब्रेन को एक आदत पड़ेगी. वी आर गिविंग आवर ब्रेन अ हैबिट टू फोकस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करने से आपका अटेंशन इम्प्रूव होगा. बेसिकली द आइडिया इज़ कि आप कॉन्शियसली कितना अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो एक पर्टिकुलर काम को करते हुए. दिस विल हेल्प जब हम एग्जाम्स में बच्चे जो ध्यान इधर उधर चला जाता है तो कॉन्शियसली हम जो काम कर रहे हैं उसी के थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो ये सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस भी कम होंगे.
एक मैं आपसे यहाँ पर और बात पूछना चाहूँगी कि यूजुअली क्या होता है कि एग्ज़ाम के पहले स्पेशली हायर क्लासेस में जहाँ पर कंटेंट जो उनको मेमोराइज करना है वो बहुत ज़्यादा होता है और एक नहीं दो दो किताबें होती हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे हैं, तो बहुत बारी बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है कि मैम इतना सारा लर्न कैसे करें, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो गई, लेकिन जब लर्न करने की बारी आती है वहाँ उनको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि अब इसको क्या समझें कि हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो पेन पेपर मोड पर निर्भर है। उस समय आपके माइंड से जो आंसर निकला और जो आपने पेन डाउन किया बस उसी के नंबर हैं, उसी के नंबर, बिना ये देखे कि वो बच्चा एक्चुअल में उस समय क्लास में कैसा था, कि उसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छी थी या उसको चीज़ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा हुई, पर क्योंकि उसको याद नहीं रह पाया वो कंटेंट, वहाँ वो लिख भी नहीं पाया, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो ऐसे समय में हम क्या हेल्प कर सकते हैं बच्चों की? बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बच्चों को हेल्प कर सकती हैं, मेमोरी टेक्निक्स है जो उनको मेमोराइज करने में हेल्प करेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अंडरस्टैंडिंग तो किसी सब्जेक्ट की है ही, इट्स द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे रोट मेमोराइज कर रहे हैं चीज़ों को, रट रहे हैं, लेकिन वो कब तक? जब तक एग्जाम देकर आते हैं। एग्जाम देते ही या तो वो चला जाता है या एग्जाम से पहले ही कई बार चला जाता है, इतना रट चुके होते हैं। और वो टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन यू नो फीड ओवर हियर, इट मेक्स देम वेरी हैवी आल्सो। यस, एक लिमिट आकर फिर ये लगता है इससे ज्यादा हम याद नहीं कर सकते, जबकि हमारे ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो रिसर्च ये बताती है कि 500 इंसाइक्लोपीडियाज तक हम अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। और हम ब्रेन का अगर 7% भी मेरे ख्याल हिस्सा यूज करें तो मुझे लगता है कि we'll be a genius। हाँ, we will be a genius। तो इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए कुछ टेक्निक्स भी हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इन टेक्निक्स को भी हम अगर यूज करेंगे तो बहुत हम मतलब बहुत सारे कंटेंट हम बहुत शॉर्ट टाइम में दिमाग में रजिस्टर भी कर सकते हैं और समय पर उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक टॉपिक में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें 6 सब हेडिंग्स हैं। अब 6 मार्क के क्वेश्चन में 6 सब हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन भी साथ में, तो हाफ मार्क तो उसकी सब हेडिंग हो गई, हाफ मार्क कंटेंट। अब सब हेडिंग लर्न करना तो एक चैलेंज है, लेकिन उसके कंटेंट में कीवर्ड्स को भी मेमोराइज करना दूसरा चैलेंज है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या टेक्निक स्पेसिफिक बच्चों तो के लिए? सबसे पहले तो हम ये करें कि कंटेंट को समझें, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, और फिर उसमें से कुछ कीवर्ड्स निकालें। जो कीवर्ड्स अगर मेरे दिमाग में रहें तो मैं उसको फिर लैंग्वेज में डेवलप करके कंटेंट डेवलप कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए मैं रोट मेमोराइजिंग यहाँ पर नहीं हम यूज़ कर सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन टेक आउट द कीवर्ड्स। फिर उन कीवर्ड्स को हम ब्रेन में कैसे रजिस्टर करें उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी लीजिए, मान लीजिए ये स्टूडियो ही है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ब्रेन में कैसे इन पॉइंट्स को छुपा लें। ठीक है, हम वो समझेंगे कैसे छुपाएं और कैसे एग्जाम में उसको निकालें। राइट, क्योंकि हमें कोई पेपर चिट बनाने की जरूरत नहीं है कि उसको हम वहां पर छुपाएं और एग्जाम के टाइम देखें। हम अपने ब्रेन में ही सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज अ टेबल, यहाँ देख ही रहे हैं हम, टेबल पे ये फ्लावर वास है, फिर उसके बाद ये सोफा जिसपे स्पीकर मैं बैठी हुई हूँ, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्क्रीन लगा हुआ है ओवल शेप में, राइट। उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, वहाँ देखिए एक सर्कल बना हुआ है, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं पिलर है, राइट। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपके पीछे, या आप वही हम ले लेते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, अब मान लीजिए कोई हम टॉपिक लेते हैं, अभी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से इफ आई से इफ अ चाइल्ड हैज़ टू राइट, और लेट्स से इफ इवन वन हैज़ टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, व्हाट डू यू फील शुड बी द क्वालिटीज इन अ प्राइम मिनिस्टर, लेट्स से। तो प्राइम मिनिस्टर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो क्या आप कोई क्वालिटीज बता सकते हैं? आई थिंक ही शुड बी अ गुड मोटिवेटर, गुड लिसनर, गुड स्पीकर, एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, ओके, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ओके, कंपैशनेट होना चाहिए, ओके, डेडिकेटेड भी होना चाहिए, ओके, राइट, राइट। अब जैसे जैसे आपने मेरे को बताया, मुझे वो सारी चीज़ें अभी याद हो गई। अच्छा, ठीक है, मैंने अभी उसी तरह से याद कर लिया, ओके, ठीक है। आपने बताया कि उसको मोटिवेटिंग होना चाहिए, उसको गुड लिसनर स्पीकर होना चाहिए, उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, और उसको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए,
और उसको डेडिकेटेड होना चाहिए एंड कंपैशनेट होना चाहिए. आपने सीक्वेंस लास्ट कंपैशनेट के बाद हाँ वो बोला था, लेकिन मैंने उसको इस तरह कर दिया क्योंकि मैंने याद ऐसी करा. अच्छा. अब आप जानना चाहेंगे मैंने याद कैसे किया. तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि ये टेबल है, अब मैंने क्या किया अपने माइंड में इन चीज़ों में उस आंसर को छुपा दिया. आपने बोला मोटिवेटिंग, हाँ ही शुड बी अ गुड मोटिवेटर. तो अभी या तो मोटिवेट, अब क्या होता है ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, सिर्फ हम शब्दों को ना लें, शब्दों जो हमारे पॉइंट्स हैं उनका अगर हम कोई पिक्चर बना लें अपने मन में, है ना, picture, तो हम image. सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, उसको विजुलाइज भी कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में बेटर रजिस्ट्रेशन होता है एंड वी आर एबल टू मोर फोकस ऑन द कंटेंट. तो जैसे आपने मोटिवेटर कहा, मेरे दिमाग में आया कि डोंट लाफ ऑन इट, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे कोई मोटी खड़ी होकर वेट कर रही है. ओके ओके. तो मैंने ये देखा कि ये बहुत प्यारे से फूल हैं लेकिन इनके ऊपर एक मोटी बैठी हुई है, वेट कर रही है. ओके. आपको भी दिख गया होगा मेरे ख्याल से, राइट. फिर आपने कहा कि गुड लिसनर एंड स्पीकर होना चाहिए, तो मैंने अपने आप को ही विजुलाइज कर लिया कि मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ और मैं बहुत अच्छा स्पीकिंग करती हूँ, राइट. अगर इनफैक्ट ऐसा कुछ ना भी हो तो हम क्या विजुलाइज करें, तो हम विजुलाइज कर सकते हैं, सोफा था ना, इसके बहुत बड़े बड़े कान है, ये सुनता भी है बोलता भी है, बड़ा मैजिकल सोफा है, कुछ भी. मतलब ये नहीं सोचें कि ये तो बड़ा अजीब सा, नहीं सोच रहे हम ये क्या क्या उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं. You're trying to relate one picture with every word. Yeah, right? Yeah. And most important in a funny way. Yeah. क्योंकि हमारे ब्रेन में अजीब चीजें जल्दी रजिस्टर होती हैं, हमारे मन को एक्चुअली वो अच्छी लगती हैं. अजीब, जितनी भी अजीब रिडिकुलस चीजें होंगी, फनी चीजें होंगी, तो क्यों हम पढ़ाई को इतना बोरिंग और सीरियस बना रहे हैं, व्हाई नॉट मेक इट फनी, जिससे कि एकदम से वो पिक्चर्स रजिस्टर होती चली जाए. फिर आपने मुझे नेक्स्ट पॉइंट बोला कि ऑनेस्ट होना चाहिए, तो ऑनेस्ट, मैंने देखा नेस्ट, तो मैंने देखा कि ये जो स्क्रीन है इस पे एक नेस्ट ने अपना घोंसला, एक बर्ड ने अपना घोंसला बना लिया, नेस्ट बना लिया, राइट. देन यू सेड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, तो मैंने डिस्क ले लिया. डिस्क भी गोल होती है और वो सर्कल भी गोल है, राइट. नेक्स्ट हमारा था ये पिलर, तो आपने कंपैशनेट और जैसे ही आपने बोला नेक्स्ट डेडिकेटेड, तो डेडिकेटेड से मुझे डैडी पिक्चर आ गया और मैंने देखा कि इस खंबे के ऊपर डैडी बैठकर ये शो देख रहे हैं. अच्छा. ओके. इट सीम्स फनी, लेकिन जो मेरे दिमाग में एकदम से आया वो मैं आपको बता रही हूँ. एंड द लास्ट इज कंपैशनेट, और मैंने देखा कि आप इतनी कंपैशनेट हैं कि आपको देखकर ही पता लग रहा है कि यू आर सो कंपैशनेट. थैंक यू सो मच. तो इस तरीके से कितनी देर लगी है करने में, ऑल दो आई एम यूज टू इट, तो मेरे को एकदम से सुनते ही ये चीज़ पिक्चर्स आ गई. लेकिन ऐसा नहीं है, वॉट एवर वी लिसन, हम एक बार सुन लेते हैं ना ध्यान से, एकदम से कोई ना कोई पिक्चर ज़रूर पॉपअप होता है. एंड आई एम वेरी श्योर आपको इस ओवल से, इस स्क्रीन से क्या ध्यान आ रहा है, कुछ ध्यान आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था? आपने नेस्ट बोला था, नेस्ट बोला था, ऑनेस्ट, राइट. आपको इन फ्लावर्स से मोटिवेटर, मोटिवेटर, मोटी सिटिंग ऑन द फ्लावर पॉट, राइट. और आपको इस पिलर से कुछ याद आ रहा है? डैडी, डैडी इज सिटिंग, तो डेडिकेटेड, राइट. कितना इजी वे है. तो आप जब कीवर्ड्स को याद कर लेंगे और उन कीवर्ड्स में कंटेंट क्या है, क्योंकि वो आपने अंडरस्टैंड भी किया है. एंड रादर आई वुड से कि अगर आपका कंटेंट ज़्यादा भी है, मान लीजिए डेडिकेटेड पे आपको 5 मिनट बोलना है, आपका जो भी पॉइंट्स हैं, तो आप डैडी के ऊपर डाल दीजिए, वो विजुलाइज कर लीजिए डैडी के साथ, राइट. तो और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, ये जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया. और ये ज़रूरी नहीं हम स्टूडियो को यूज़ करें, हम अपने बेडरूम को यूज़ कर सकते हैं, किचन को यूज़ कर सकते हैं, क्लासरूम को यूज़ कर सकते हैं, अपने पूरे स्कूल को यूज़ कर सकते हैं, वन आफ्टर द अदर. इसका मतलब कि जो कुछ हमने इमेजेस ऑलरेडी अपने एनवायरनमेंट में कैप्चर करी हैं, जहां मूव इन करते हैं, वही हमारा सामान है हमारी एग्जाम की तैयारी कराने का और कंटेंट को याद करने का. एक्चुअली आपको इसलिए एक जगह बैठ के पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप कहीं घूमते घूमते भी अपनी चीज़ों को छुपा सकते हैं एंड यू आर कैरिंग दैट इन योर माइंड. तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम बहुत अच्छे से लंबे समय तक अपनी मेमोरी में उसको रिटेन भी कर सकते हैं. एंड वाइल रिकलेक्शन ऑल्सो, जैसे ही आपको ये इमेज, अभी आप चाहे आँख बंद कर लीजिए, इमेज तो सामने ही है ना, तो वो आपको ध्यान रहेगा. थैंक यू सो मच आदिति जी, जो आज आपने ये एक मेमोरी मेमोराइजिंग टेक्निक शेयर करी. मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स, अगर वो स्टूडेंट्स वहाँ देख रहे हैं, तो ज़रूर ये टेक्निक आप यूज़ करिए और देखिए कि ये टेक्निक इतनी इंटरेस्टिंग है कि शायद जो बोरिंग दो किताबें हम पढ़ते हैं उसे याद करना आसान हो जाएगा और उसमें फन एलिमेंट जो आएगा वो पढ़ाई को मज़ेदार भी बना देगा. तो इसी श्रृंखला को जारी रखने के लिए हमारे साथ फिर से अगले बार अगले एपिसोड में डॉक्टर आदिति होंगी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओम शांति. ओम शांति.
आप सभी यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा. स्टे ट्यून्ड विद अस. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 8094913487.